Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, I am going to tell you the colleges which you need to target through CMAT 2022. है ना, तो अभी CMAT 2022 की आपकी एकदम जम से पढ़ाई चालू होगी, बट देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस, है ना, क्योंकि कॉलेज को कैसे पता कि आपने CMAT 22 में अच्छा स्कोर किया है ना. फॉर दैट यू विल हैव टू अप्लाई फॉर वेरियस अदर कॉलेजेस, है ना, एटलीस्ट एक 5-6 कॉलेजेस को तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ओनली देन यू विल गेट द एडमिशन. ठीक है ना, तो सीमेट के 5 कॉलेज को आपका स्कोर पता चलना चाहिए, उसके लिए कॉलेज को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू मी कि यार सर मैंने सीमेट का तो फॉर्म भर दिया है, अभी इसके आगे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ना मेरे को, अच्छा नंबर आएगा. अरे कैसे मिलेगा, कॉलेज के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, सीमेट ये एग्जाम है, सीमेट का स्कोर फिर ये कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. एंड वो प्रोसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अपने को सीमेट टॉप करना ये अपना मोटिव नहीं है, अपने को कॉलेज में एडमिशन मिलना ये अपना मोटिव. उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई टू दैट कॉलेज. अभी तो कौन से कॉलेजेस है जो टारगेट करने चाहिए, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, है ना. कुछ कुछ कॉलेजेस का एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, तो उसका क्या परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, देर आर सर्टन गुड कॉलेजेस जिनका एप्लीकेशन अभी भी ओपन है ना, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जिनका अभी भी ओपन है एप्लीकेशन, और अच्छे कॉलेजेस है. ठीक है ना, तो वो बताओगा उनका लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना है, ट्यूशन फीस कितना है, एवरेज प्लेसमेंट कितना. ठीक है, ये सब बताओगा, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक अ डिसीजन कि किस कॉलेज को मैंने अप्लाई करना चाहिए, किस कॉलेज को मैंने अप्लाई नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऑल्सो सीमेट 2021 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो चार्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप अभी मॉक्स दे रहे हो 200-250 जितने भी नंबर आ रहे होंगे, वो मॉक्स के बेसिस पे आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए भी ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का टेबल हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, चलो, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर अकेडमी फॉर सीमेंट क्रैश कोर्स इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट इज अवेलेबल ओनली एट ₹2,500. ठीक है, इफ यू वॉन्ट सीमेट टेस्ट सीरीज सीमेट प्लस मैट टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर ₹500 ओनली. ओके, इफ यू वॉन्ट एनी वन ऑफ दीज टू यू कैन कनेक्ट विद अस, नंबर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. ठीक है, नाउ सीमेट एक्सेप्टिंग कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस हैं, उनका सीमेट के थ्रू कट ऑफ क्या है, उनका लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, उनके एप्लीकेशन फी क्या है, उनके एक्सपेंसेस मतलब फीस एंड वगैरह कितनी है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे. ग्रेट लेक्स चेन्नई एप्लीकेशन क्लोज्ड है ना, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो छोड़ दो, जिन्होंने अप्लाई किया है तो 90% सीमेंट में लेके आ जाओगे तो हो जाएगा, 13 लाख का आपका फी रहेगा, 13 लाख का एवरेज प्लेसमेंट रहेगा. केजे सोमया अगेन एप्लीकेशन क्लोज 90% कट ऑफ, 19 लाख का फी, 11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट. फिर जिम गोवा अगेन एप्लीकेशन क्लोज, 97% 3,500 रुपीज का तो एप्लीकेशन फी था, बट ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है तो ये काम का ही नहीं, 18 लाख का फीस है, 11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है. फिर IIT नागपुर, इनका भी एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है. ठीक है, इनका भी एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, 80% अगर आपको आते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अगर 80% आते हैं तो दे कैन हैव अ गुड चांस टू कन्वर्ट IIT ना, है ना, जिसके लिए आपका एक्सपेंसेस रहेगा आपका अराउंड 12 लाख के आसपास, एवरेज प्लेसमेंट रहेगा आपका 9 लाख के आसपास. ठीक है, अभी ये तो कॉलेजेस थे जिनके एप्लीकेशन क्लोज हो चुके है ना, नाउ देर आर सर्टन कॉलेजेस जिनके एप्लीकेशन ओपन है ना, तो जहां जहां पे एप्लीकेशन ओपन दिया हुआ है मैं उनके वेबसाइट पे जाके चेक करके आया हूँ, लास्ट डेट टू अप्लाई बताया ही नहीं है, है ना, लास्ट डेट टू अप्लाई बताया नहीं है, या फिर मैंने उससे प्रॉपर रिसर्च हुआ नहीं है ना, क्योंकि और कुछ कहीं तो भी छोटे से लैंग्वेज में लिखा होगा तो वो वहां से मेरे को दिखा नहीं. ठीक है, तो लास्ट डेट टू अप्लाई जिनका पता नहीं है उनके लिए एप्लीकेशन ओपन लिखा है, जिनका लास्ट डेट टू अप्लाई पता है उनका लास्ट डेट टू अप्लाई लिखा हुआ है. जैसे वेलिंगकर मुंबई 80% अगर आप सीमेट में स्कोर करते हो तो यू स्टैंड अ गुड चांस, कट ऑफ है 80%, एप्लीकेशन फी है 2,500 रुपए, 13 लाख के एक्सपेंसेस है, 9 लाख के एवरेज प्लेसमेंट है.
फिर एनआईबीएम पुणे 95 परसेंटाइल, एसआईईएस 85 परसेंटाइल, एनएल दालमिया 85 परसेंटाइल, एनआईए 82-85 परसेंटाइल, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे, चेतना कॉलेज 80 परसेंटाइल, एमईटी 80 परसेंटाइल, आईएएस 80 परसेंटाइल, बिमटेक नोएडा 80 परसेंटाइल, इंदिरा पुणे 75 परसेंटाइल, क्राइस्ट बैंगलोर 75 परसेंटाइल। ठीक है ना, ये टेबल का आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। वंस यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल यू विल हैव कंप्लीट डेटा इन योर फोन, ठीक है ना, जिसका आपको एप्लीकेशन फी भी पता चल जाएगा। अगर आपने डिसाइड किया कि यार मेरा एसआईएस में मेरे को करना है, 31 मार्च है लास्ट डेट टू अप्लाई, कितना खर्चा करना पड़ेगा, 2500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, 8 लाख का फी है, 8 लाख का एवरेज पैकेज है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया अभी सीमेट का कट ऑफ कितना है ये कॉलेजेस के लिए, किस कॉलेज का एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। अभी ये स्कोर अचीव करना इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं है एक्चुअली इतना डिफिकल्ट। अगर मैं आपको सीमेट 2021 का मार्क्स वर्सेस परसेंटेज लिखा होगा तो 200-220 मार्क्स पे आपका 75 परसेंटेज का स्कोर आया है, ठीक है ना। 200-220 मार्क्स पे आपका 75 परसेंटेज का स्कोर आया है, विच इज वेरी इजी टू स्कोर, ठीक है ना। तो सीमेट 2021 का परसेंटाइल एंड सीमेट 2021 का स्कोर अगर हम देखें तो 100 परसेंटाइल तो वो तो मतलब कोई तो ब्रिलियंट सा बंदा होगा, 90-95 परसेंटाइल, 296-344 है ना। अगर आप देखोगे 85-80 परसेंटाइल के बीच में अच्छे अच्छे कॉलेजेस है और काफी सारे कॉलेजेस है, तो आपको 80 परसेंटाइल के अबव स्कोर करना है तो 230 नंबर स्कोर करना है आउट ऑफ 400, ठीक है ना। ये तो सीमेट 2021 की बात चल रहा है ना। इन सीमेट 2022 आई एम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ दिस आई एंड ई सेक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस आई एंड ई सेक्शन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके वजह से कट ऑफ हल्का सा कम जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कट ऑफ 230 का है वो 215-220 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये टारगेट रखना है कि यार मेरे को कम से कम 230 मार्क्स लाना है, 230 मार्क्स लाओगे, 230-240 मार्क्स लाओगे तो 80 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर आएगा। 80 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप देखोगे तो काफी सारे अच्छे कॉलेजेस है विच यू कैन टारगेट, है ना। तो सीमेट इन दैट सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, सीमेट 2021 परसेंटाइल वर्सेस स्कोर का रेशियो जो भी कन्वर्जन था वो, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट और यू वांट एनी अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डू लेट अस नो, वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन www.tarkashastra.co.in और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।